सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिटल वेलबींग पार्ट वन, या इसको बोलते हैं वायबिलिटी फिटल वेलबींग। ये फिट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो फिटस होता है इंट्राउटराइन लाइफ में, वह मेरे लिए एक पेशेंट होता है। उसकी हर एक जानकारी, उसकी ग्रोथ से लेकर उसके सिचुएशन तक हमें जानना जरूरी है, क्योंकि बर्थ के समय और बर्थ के बाद किसी तरह की उसको डिस्टर्बेंस ना हो, इसके जानने के लिए और बर्थ के बाद कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजीज नहीं हो, प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए हम फिटल वेलबींग कराते हैं। यह एक अल्ट्रासोनोग्राफी का टेक्निक है, पर उसी लाइक का टेक्निक है जो पेनलेस और नॉन इन्वेजिव टेक्निक होती है। इसमें किसी तरह की तकलीफ होती नहीं है। इसमें अब्डोमेन के सरफेस पर हाइड्रोफिलिक जेल को रख करके ट्रांसड्यूसर के द्वारा हम लोग अंदर के यूट्रस के अंदर जो फिटस ग्रो करेगा उसके बारे में हम लोग जानकारी रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फिटल वेलबींग स्कैन। टोटल प्रेगनेंसी के दरमियान नॉर्मल में चार तरह का फिटल वेलबींग कराते हैं। एक जो पहला फिटल वेलबींग है इसको हम लोग वायबिलिटी फिटल वेलबींग कहते हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके बारे में आगे पॉइंट जी करते चले जाएंगे, सबके बारे में बताते जाएंगे। तो पहला जो फिटल वेलबींग होती है ये वायबिलिटी फिटल वेलबींग कहते हैं, यानी कि जो इम्ब्रियो जो आया है, जायगोट का जो वहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, उसकी लाइफ कैसी है, वो सही है कि नहीं है, इसकी जानकारी करने के लिए हम लोग वायबिलिटी फिटल वेलबींग कहते हैं। एक पॉइंट कर इसको हम लोग हर पॉइंट पर हम डील करते हैं। सबसे पहला बात है, इसको हम कराते हैं आठवें वीक में हमें इसको कराने के लिए जरूरत पड़ता है और पेशेंट को आठवें वीक में भेज देते हैं। जरूरत पड़ता है तो इसको हम लोग एक सप्ताह पहले भी करा के देख सकते हैं अगर किसी तरह का कंडीशन आता है तब, लेकिन एट वीक इसके लिए एक्यूरेट समय होती है। देखिए, इस समय ये पता चलता है, पता करना है हमें कि जो रियल में सही ढंग से ये एक वायबिलिटी लाइक है कि नहीं है, यानी ये इसका लाइफ कैसी चल पाएगी, इसके लिए हम कराते हैं इसको। चलिए, तो इसके लिए जरूरत क्या क्या है। पहला जरूरत कि जो इम्ब्रियो है वह सही साइट पे इम्प्लांट है कि नहीं। नंबर वन क्या है, इम्प्लांटेशन का साइट सही है कि नहीं है। तो इम्प्लांटेशन का नॉर्मल साइट कहाँ पे होता है, यूट्रस के फंडस में पोस्टीरियर पार्ट पर। यह नॉर्मल बात होती है। याद रखिए, पहले क्या बोले हम लोग कि पहला कंडीशन क्या बोले हैं, इम्ब्रियो का लोकेशन कहाँ पे है, साइट कहाँ पे है। तो इम्ब्रियो का जो लोकेशन है, इम्प्लांटेशन का लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, यूट्रस फंडस पार्ट में, कहाँ पे, पोस्टीरियर पार्ट में। तो एक लाइन तो ये देख लिया। दूसरी सिचुएशन, अगर बाय द वे सपोज दैट कि अगर हम ये नहीं देखेंगे सब इस कंडीशन में, हो सकता है कि फेलोपियन ट्यूब में ही बच्चा इम्प्लांट जो इम्ब्रियो है जायगोट इम्प्लांट कर गया, तो अगर वहीं पर इम्प्लांट कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमको नहीं मालूम होगा बाय द वे इसके बारे में, तो अगर बाय द वे 10वें 11वें वीक में अगर चला गया प्रेगनेंसी, तब तो फेलोपियन ट्यूब फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा। तो इसलिए उससे पहले ही क्या है, हमको इसको कराना जरूरी होती है। क्या बोले कि हो सकता है कि जायगोट यहाँ इम्प्लांट नहीं करके अगर फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आई नहीं करेगा, आपको वहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन क्या होगा, आपको जैसे 10 वीक क्रॉस करेगा वैसे ही ये फेलोपियन ट्यूब डैमेज कर जाएगी, रप्चर कर जाएगी, उस समय फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि पहले ही अगर हमको मालूम चल गया कि जायगोट कहाँ पर इम्प्लांट किया है, तो हम पहले ही ना कुछ कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगर बाइक में रहता है, अगर इम्प्लांट कर चुका है, तो मेडिसिनल उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे। तो पहले से हम कर सकते हैं इस बात को। तो वही अगर इसलिए हम क्या बोले हैं कि 8 वीक में ये जरूरी कराना बहुत जरूरी होती है। नंबर 2, अगर ये इम्ब्रियो के अंदर क्या फीटल पोल बना है कि नहीं बना है, फीटल पोल अगर नहीं बना है तो इसका मतलब कि बिना फीटल पोल का भी इम्ब्रियो ग्रो करता है। तो बिना फीटल पोल का इम्ब्रियो ग्रोने का मतलब क्या होता है, इसको साइलेंट एवर्सन के नाम से बोलते हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि इसे बिना फीटल पोल के अलावा यहाँ पे मास ग्रोथ होती है, जिसको मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। तो शुरू में अगर पता चल गया कि मोलर प्रेगनेंसी है तो आगे फिर खतरा से बच सकते हैं हम लोग। या फिर अगर साइलेंट एवर्सन अगर है सपोज दैट, या फीटल पोल है ये नहीं है, ऐसे ही बिना फीटस का इम्ब्रियो ग्रो करता है, तो इसके लिए भी हमें क्या होता है, यहाँ पे जाना जरूरी होता है।
यानी इंद्रियों को देखना भी जरूरी है। ये साइट तो देख ले, पहला क्या देखे है लोकेशन की इम्प्लांटेशन कहाँ पे है, दूसरा ये देखना है हमें कि इसके अंदर फीटल पोल है कि नहीं, पोल है नहीं है ये देखिए हम लोग। अगर यहाँ पे अगर फीटल पोल नहीं मिल रहा है, उसके जगह कोई मास ग्रोथ हो रही है, स्पेस खाली है, इसको तुरंत यहाँ पर क्या करना चाहते हैं हम, एमटीपी कराने के लिए एडवाइस करते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो लाइफ हो ही नहीं पाएगी ना। ये आगे बढ़ जाए तो क्या होगा, कई तरह का डिजॉर्डर्स हो सकता है। तो दो कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन कि इम्ब्रियो की जो साइज है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि इस समय जो इम्ब्रियो का जो साइज होता है लगभग जो इसका साइज लगभग यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, अप्रोक्स 1.5 सेंटीमीटर का, और इसका जो वेट होता है अप्रोक्स यहाँ पर 1.6 ग्राम का लगभग हो जाता है, यानी कि अप्रोक्स इसी के रेंज में जो होता है 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 ग्राम के आसपास यहाँ पर क्या होता है फिटस का इम्ब्रियो का साइज और वेट होता है। अगर इसका साइज और वेट अगर सही नहीं होगा इस कंडीशन में क्या होगी, हम लोग वजह से मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए भी हमें इसकी जरूरत होती है। अगला तो तीन चीज हो गया, पहला देखें इम्प्लांटेशन का साइट कहाँ पे है, दूसरा देख लिया कि फीटल पोल है कि नहीं है, तीसरा हम लोग यह देखते हैं कि जिस यूट्रस में किसी तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं पहले से, जैसे ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा तो नहीं कि पहले से फाइब्रॉयड है, अगर फाइब्रॉयड होगा तो फिर क्या होगा आगे इसको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, सर्वाइवल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीजें देखते हैं इसका पोजीशन सही है कि नहीं है, तो इस पोजीशन को देखने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं फिर यह वायबिलिटी टेस्ट कराते हैं। तो ये भी क्योंकि अगर बाय द वे पोजीशन अगर यूट्रस का सही नहीं होगा तो हो सकता है कि जो उसका कंजनाइटल प्रॉब्लम भी मिल सकता है या फिर आगे चल करके एवर्सन भी हो सकता है, तो पहले से हमको ये जान लें। दूसरा फाइब्रॉयड बता दिए, उसके बाद हम लोग सर्विस को भी देख लेते हैं कि सर्विस का लेंथ कैसा है और प्लस ये इसके अंदर कोई ऐसा अबनॉर्मल मास है कि नहीं, अगर मास अगर है बाय द वे तो यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं और इसके ढंग से फिर क्या किया जाता है आगे मैनेजमेंट की जाती है। तो वायबिलिटी टेस्ट में इसका इम्पोर्टेंस तो कम है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप समझ गए कि इम्ब्रियो के लोकेशन से और प्लस उसके अंदर फिटल पोल से, उसके साइज से, वहीं से मतलब है। और ये भी चीज़ देखना चाहते हैं कि इम्यूनिटी फ्रूट बनना स्टार्ट हुआ कि नहीं, क्योंकि 8वें वीक से इम्यूनिटी फ्रूट बनना स्टार्ट हो चुका होता है, ये होने लगता है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट करा के देख लेते हैं फिटल बेल्बिंग वायबिलिटी टेस्ट, और ये जरूरी होती है क्योंकि तो यहीं से फिर हम लोग आगे प्रेगनेंसी को फिर नया ये देखते हैं। ये था मेरा फिटल बेल्बिंग, अब लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे फिटल बेल्बिंग पार्ट 2, जिसको बोलेंगे नुकल फिटल बेल्बिंग। थैंक्स।